16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में, घर में अगर गंगा का जल हो, आपके आपके घर में अगर गंगा जल रखा हो, श्राद्ध पक्ष में तुलसी के क्यारे के पास में एक छोटी सी कटोरी रखकर घर का कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो, पुरुष हो, पुत्र हो, पुत्र वधू हो, बच्चे हो, कोई भी, हथेली में गंगा जल लेकर अपने पूर्वजों का स्मरण करकर, और वो गंगा जल काशी विश्वनाथ के नाम से अपने पूर्वजों का नाम लेकर वो कटोरी में अगर 5 बार या 7 बार छोड़ देता है तो उसके पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेल पत्र का वृक्ष। ये पितरों के तुल्य हैं। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि रात्रि को 1 घंटा 1.5 घंटा सोने के बाद कुछ गलत गलत विचार आने लगते हैं, नींद सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक नहीं आती, 4 बजे के बाद फिर नींद आती है, तो एक प्रैक्टिकल जरूर कर देखना। एक प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, प्रयास करने में क्या कुछ जाता है क्या? प्रैक्टिकल कर देखना कि कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, तो प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाए। 1 लोटा पानी लो, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, बेलपत्री का पेड़ या पीपल का पेड़ या बट का पेड़, इन पेड़ के नीचे ले जाकर उस दूध को दोपहर में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ले जाकर चढ़ा दीजिए। रात्रि को फिर ना आपको प्यास लगेगी, ना भूख लगेगी, नींद एक बार लगी तो सुबह ही खुलेगी। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, ओम नमः शिवाय, आपका वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष चल रहा है और गुरुजी ने इस वीडियो में एक उपाय और कुछ बातें बताई हैं। गुरुजी ने गंगा के जल का उपाय बताया है। यदि आपको वीडियो में कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपके यहाँ तुलसी का पौधा तो होगा ही, तो वहाँ आपको उसके पास एक खाली कटोरी रख देना है, और उसमें आपके यहाँ गंगा जल होगा तो थोड़ा सा गंगा जल लें और अपनी हथेलियों में लेकर 5 बार या 7 बार काशी विश्वनाथ का नाम लेकर, साथ ही साथ अपने पितरों का नाम लेकर उस कटोरी में छोड़ देना है। पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह कार्य आप 16 श्राद्ध में किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं। आपको रात में नींद नहीं आती है या अचानक नींद खुल जाती है फिर नींद नहीं लगती है, तो आप श्राद्ध पक्ष में यह एक कार्य कर सकते हैं। आपको 1 लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर मिला लेना है, फिर किसी भी पीपल के पेड़ या बरगद के पेड़ या बेलपत्र के पेड़, इन तीनों पेड़ में से किसी भी पेड़ के पास जाएं और उस दूध से भरे जल को डाल दें। यह कार्य आपको सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच ही करना है। यह कार्य आप 16 श्राद्ध में किसी भी एक दिन कर सकते हैं। आपके सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। हम आशा करते हैं आपको यह छोटे छोटे उपाय समझ आ गए होंगे। यदि उपाय में कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने व सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। ध्यान से सुनना रे भाई। कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष आ गया, ये कर लेना चाहिए तो प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी, पितरों की शांति के लिए ये कर लेना चाहिए तो पितर मुक्त हो जाएंगे। पहले तो एक बात अच्छे से समझ लो, पितर मुक्त नहीं होते, उनकी शांति क्या होती है? जम के बोलो जरा। उनकी शांति होती है जब आप किसी तीर्थ में स्नान कर रहे हो,
जब आप किसी तीर्थ में हो, स्नान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, तो उसका एक अंश, एक भाग हमारे पूर्वजों के खाते में, हमारे पितरों के खाते में जाता है, उनके खाते में पहुंचता है, ये निश्चित है। आपने किसी ब्राह्मण को भोजन कराया, भले आपने पितरों के निमित्त नहीं जिमाया, कोई ब्राह्मण को एक गिलास पानी पिलाया, भले आपने पितरों के निमित्त नहीं किया, आपका एक अंश उसके खाते में चला गया, उससे क्या होगा, पितरों की शान। और समझ लो, गया जी में पिंडदान कर देने से क्या पितर मुक्त हो जाते हैं? बद्रीनाथ जाकर कपाल क्रिया करने से क्या पितर मुक्त हो जाते हैं? भाई, गया जी जाना तो वहां के पंडा जी से पूछना, हम यहाँ पिंडदान कर देंगे तो क्या वो मुक्त हो गए? पंडा जी कहेंगे, आप अपने पूर्वजों को गया का पिंड देकर, उनका पिंडदान कर आप उनको भगवान विष्णु के चरणारविंद में छोड़ गए, पर आप घर जाना तो घर पर जब जब श्राद्ध पक्ष आए तब ब्राह्मण को भोजन जरूर कर, भले तुम भूख मत देना, कौए का मत निकालना, पर एक काम जरूर करना कि ब्राह्मण भोज कराना, उससे क्या होगा, 16 श्राद्ध में जब हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को पितृ लोक से छोड़ा जाता है तो वो सबसे पहले जिस घर में रहे होते हैं, जहां उनका पिंड घर में दिया होता है, जहां रहे होते हैं, सबसे पहले वो वहां, सबसे पहले वहां आए। और अगर तुमने उनकी तिथि पर, उनके वार पर अगर आपने भोजन करा दिया है तो उनकी मुक्तता नहीं, उनकी शांति हो जाती। पितरों की मुक्ति कैसे, उनकी मुक्तता कैसे, प्रेत योनि की मुक्तता कैसे, तो कहा जैसे भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति दूसरा जन्म नहीं पाता, उसी तरह भगवान का जो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, या शिव महापुराण की कथा, राम कथा, भागवत कथा, विष्णु पुराण आदि आदि जितनी भी पुराण हम श्रवण करते हैं, हमारे श्रवण करने का एक भाग हमारे पितरों के खाते में जाता है, तो उस कथा के फल से उनकी मुक्ति हो जाती है, उनकी कथा के फल से।